प्रियंका देवा से नव भारत के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने की घरों पर तिरंगा फहराने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने दिनेश गुणवर्धने। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने गुणवर्धने को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। गुणवर्धने एजुकेशन मिनिस्टर और विदेश संबंध मंत्री रह चुके हैं। तीन भारतीय एथलीट्स ने बनाई फाइनल्स में जगह। आज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के एल्डोस पॉल, नीरज चोपड़ा, रोहित यादव ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अमेरिका के ओरेगॉन में खेले जा रहे इस चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय एथलीट्स की संख्या 6 हो गई है। अकासा एयर की टिकट बुकिंग हुई आज से शुरू। राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली इस एयरलाइन को 7 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। अकासा एक लो कॉस्ट एयरलाइन है जिसका न्यूनतम किराया 3,282 रुपए है। फिलहाल ये फ्लाइट केवल मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु कोची रूट पर ही ऑपरेट होगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के नतीजे हुए जारी। 12वीं की परीक्षा में 92.71% तथा 10वीं में 94% छात्र हुए पास। दोनों नतीजों में लड़कियां लड़कों से आगे रही। आज के इवनिंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए नवभारत से जुड़े रहिए।